Hello children, welcome back to our online classes. We are here to discuss or we are here to revise our chapter 4 of EVS. Okay. Have all of you marked your attendance? Have all of you marked your attendance? Okay, so today the name of the chapter is Mangoes Round the Year, and we are here to discuss about mangoes and other food items. I hope you all are aware that what are the main basic things required to live. हमें जीने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या एनवायरमेंट की कोई ऐसी कंडीशन है जो हमें जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Can you tell me in the comment section? Water, air, food. Okay. Water, air, food, oxygen, that is air only. That is air only. Okay, I hope some of you are, yeah, most of you are missing one more thing. One is air, that means oxygen. Then other is water. Then third thing is food. One more thing is there. शायद आपको मालूम है, आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं. Which is proper temperature of our surroundings. Air, water, proper temperature. Let's mark it with a star. Okay. Why I have marked it with a star? Because if temperature, if the surrounding temperature is not suitable for us, what we can do? We can create a temperature which suits us. But that is a thing which has to be created. But if we discuss about the occurrence naturally, then we can see कि जो अगर टेम्परेचर है अगर हमारा बहुत ज्यादा कम हो जाता है. Like it goes down to the -50s, -40s, -30 degree or above 60 degree or above 50 degree, तो हमारा जो रहना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. Similar thing, जो ये चारों चीजें हैं, यही चारों चीजें हर एक लिविंग बींग को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती हैं. अब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आ गया हूं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेरा जो मतलब है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी. किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपने जब ये व्हेन यू स्टार्टेड द रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, आप आगे चल के आपने फंगी, फंगस, बैक्टीरियाज एटसेट्रा, वायरसेस, छोटे छोटे पार्टिकल जो हम नॉर्मल नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनके बारे में भी पढ़ा था. सिमिलरली दैट पॉइंट इज दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी 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 स्मॉल, जो हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख ही नहीं सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब आप सोचोगे, आपने पढ़ा था कि सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये क्या हैं, ये हमेशा हमें हार्म करते हैं. तो नहीं, दीज माइक्रो, सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर विच आर हेल्पफुल फॉर अस. इनमें से कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमें हेल्प भी करते हैं. कैन यू टेल मी
इन वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प कैसे करते हैं, नुकसान को तो हमें पता है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द चैप्टर, बट कैन यू टेल मी दैट हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स अस? टेल मी, आई एम वेटिंग. डिकम्पोजिंग, यस. जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको डिकम्पोज करने में हमें हेल्प करते हैं, यस. इसके अलावा ब्लड सेल्स, ओके. हमारे फूड के रूप में वो कैसे हेल्प करते हैं हमें, कैन यू टेल? आई होप मोस्ट ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग कर्ड. मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चों को जो कर्ड है वो बहुत पसंद होगी. कैन यू इमेजिन ये कर्ड बनती कैसे है? ये कर्ड जो हमारा मिल्क होता है, जब हम उस मिल्क को एक सूटेबल टेम्परेचर पे गर्म कर लेते हैं और एक सूटेबल टेम्परेचर उसका रख देते हैं मिल्क का, तब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड जो पहले से हमारे पास कर्ड होता है, थोड़ा सा उसका एक हिस्सा हम उस दूध में डाल देते हैं. एंड देन व्हाट वी डू, वी गिव द रेस्ट ऑफ द वर्क टू दोज माइक्रो टू दोज हेल्पफुल बैक्टीरियाज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन, सॉरी फॉर द मेकिंग ऑफ कर्ड. सो जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो हमें कर्ड को बनाने में भी हेल्प करते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, आई होप यू ऑल आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग डोसा. आप सब डोसा और इडली खाने के बड़े फॉन्ड होते होंगे. तो व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स, ओके लेट्स स्किप इडली बिकॉज हम मोस्ट ऑफ अस या सम ऑफ अस मेक द बैटर ऑफ द इडली विदाउट मेकिंग द यीस्ट. बट फॉर मेकिंग द प्रॉपर डोसा वी हैव टू मेक द यीस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ दैट पल्सेस एंड राइस. तो जो हम पल्स और राइस को हम छोड़ते हैं रात में, उनका पेस्ट बना के रात में, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ यीस्ट. यीस्ट क्या है, वो भी हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया की वजह से बनता है, जिसकी वजह से हमारा डोसा बड़ा टेस्टी हो जाता है. सो आज हम जो है ये इसी तरह के डिस्कशन के ऊपर ये चैप्टर का रिविजन करेंगे और उसको फिनिश कर लेंगे. ओके, ख्याति इज आस्किंग, सर फ्रॉम वेयर डिड दिस फर्स्ट कर्ड कम केम? ओके ख्याति, अगर आपने कभी कच्चा दूध, रॉ मिल्क जो मिल्कमैन आपको दे गया था, उसको अगर आपने कभी गलती से छोड़ दिया है ऐसे ही बिना उसको बॉइल करे, तो क्या होता है, कुछ टाइम मतलब आफ्टर वन डे एक वार्म टेम्परेचर पे अगर वो मिल्क हमने रखे छोड़ दिया रॉ मिल्क, तो व्हाट विल इट डू, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में कर्ड जैसा कन्वर्ट हो जाता है. हालांकि हम उस कर्ड को नहीं खा सकते, बट वो जो फर्स्ट टाइम का जो कर्ड था, जहां से हमने वो जामुन लेना स्टार्ट किया था, वो वहीं से लेना स्टार्ट किया था. ओके ओके लेट्स मूव अहेड. देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर डिस्कसिंग अबाउट देयर लंच बॉक्सेस. आप भी जब रिसेस के टाइम पे बाहर ग्राउंड में जाते थे, आपस में एक सर्कल बना के हम लोग जब बैठते हैं डिसिप्लिन के साथ, व्हाट डू वी डू, वी शेयर और वी शोज अवर लंच टू अवर फ्रेंड्स, वी डिस्कस अबाउट इट एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग एंड शेयरिंग. सिमिलरली दीज स्टूडेंट्स आर, दीज चिल्ड्रन आर ऑल्सो डूइंग. सो नीतू इज सेइंग, वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज. Hey, today Neetu has bought potato sabji and then Preeti is saying that I have brought bhindi. So, ye aapas mein discuss kar rahe hain, then what happens, Aman ko kuch smell aati hai and he says, "Arey Neetu, your potato sabji is spoiled. Aapki jo potato sabji hai, wo spoiled ho gayi. Can you tell ki ye spoiled jo hui hai sabji, ye kaise hui hai? Us matlab, how do you, does this sabji got spoiled? बिकॉज उस सब्जी को प्रॉपर टेम्परेचर मिला, थोड़ा सा एयर मिला और मॉइस्चर उस सब्जी के अंदर होगा. इन तीनों सर्कमस्टांसेस हैं, इन तीनों पॉइंट्स ने, ऑल दीज थ्री पॉइंट्स हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड एनवायरमेंट फॉर द फंगस टू डेवलप.
जो फंगस है उसको डेवलप होने के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट इन तीनों चीजों ने फंगस के लिए अवेलेबल करा दिया है। सो फंगस क्या हुआ, जब हमें बहुत अच्छे, जब हम खुश होते हैं तो हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। सिमिलरली फंगस को क्या चाहिए, वार्म टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर एंड व्हाट एल्स, और क्या चाहिए, ओके लेट्स डिस्कस, वी विल डिस्कस इट लेटर। अब जो ये लंच बॉक्स था ये क्या था, एयर टाइट नहीं था, उस क्योंकि वो एयर टाइट नहीं था तो उसकी वजह से क्या हुआ, सम एयर गोट इन टू द लंच बॉक्स, वो जो अंदर लंच बॉक्स के जो एयर थी वो जो एयर जो है क्या थी, वहां पे हमने उसको लॉक नहीं किया, वो ट्रांसफर हो रही थी स्लोली 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 स्लोली। मॉइस्चर ऑलरेडी सब्जी का अपना आप था एंड द वार्म टेम्परेचर, इन तीनों चीजों ने मिलके क्या क्या फंगस को डेवलप होने दिया। एंड दैट फंगस क्या, देन व्हाट डिड द फंगस डू, फंगस स्टार्टेड टू डेवलप एंड एज अ रिजल्ट इट स्पॉइल्ड द फूड। ओके, देन सम एक्टिविटीज गिवन टू राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड। तो 2-3 डेज में जो नॉर्मल हमें, जो हमारा नॉर्मल खाना है जिसको हम वार्म टेम्परेचर पे छोड़ के खराब होते देख सकते हैं, जस्ट लाइक मिल्क और व्हाट वी कैन से सब्जी, दिस टाइप ऑफ सब्जी मतलब कुक्ड वेजिटेबल, करीज, वो क्या होंगे, वो टाइम पे आके कुछ मतलब विद इन 1 or 2 days वो स्पॉइल हो सकते हैं। राइस, कुक्ड राइस, कुक्ड पल्सेस, then for some things are there that can be kept for a week like onions, tomatoes, potatoes raw, I'm telling raw, wo kya hai, unko hum for a week rakh sakte hain, but kuch food items aise hain jo 1 month tak bhi spoil nahi hote hain, jaise 1 month ke 1 year tak bhi spoil nahi hote hain, like salt, sugar, like that। Then one story has been given, one incident of Bee Gees, Aman's Bee Gees has been given, who went to the shopkeeper in a market to bring bread. So she asked, भैया भैया मेरे को एक ब्रेड का पैकेट दे दीजिए। तो shopkeeper, what did shopkeeper do? Shopkeeper randomly picked one packet. Shopkeeper ने क्या किया, बिना जानबूझ के बिना देखे कोई भी एक पैकेट उठाया, उसको हम बोलते हैं रैंडम। रैंडम मतलब जब हम इंटेंशनली एक ही पर्टिकुलर चीज को नहीं लेते, किसी ग्रुप में से बिना किसी अपने चूजिंग के ऐसे ही उठा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंडम, रैंडम पिकिंग। ओके, सो ही टुक एंड गिव इट टू द बिजी। नाउ बिजी ने उसको पैकेट को देखते के साथ क्या किया, वापस तुरंत से वापस रिटर्न कर दिया। क्यों, बिजी को पता चल गया था उसको पैकेट को देख के ही कि द पैक फूड पैकेट, द ब्रेड्स इनसाइड द पैकेट हैव गॉट स्पॉइल्ड। उन्होंने कुछ नहीं देखा पैकेट को, पैकेट के ऊपर क्या लिखा है कि, मतलब कितनी उसकी कुछ डेट लिखी है, कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने व्हाट डिड शी सॉ, सी सॉरी व्हाट डिड शी सी, शी सॉ दैट द कलर आउटर कलर ऑफ द ब्रेड्स ऑन द आउटर मतलब सॉरी द कलर ऑन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेड was getting darken or was getting a very texture of black color, so she returned it immediately। There are some other things also through which we can get the expiry date of the packed food item। मैं हम अब यहाँ पे packed food item की बात करेंगे, food की नहीं, packed food की, जो market से लेके आते हैं, like biscuit का packet, bread का packet, curd packet और छाछ packet, नमकीन packet, पिज्जा बेस पैकेट, एनी अदर पैकेट विच इज हैविंग एनी फूड आइटम। ओके, एट दोज पैकेट्स सम इंफॉर्मेशन आर देयर, लाइक फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हर एक फूड पैकेट के ऊपर ऐसा कोई एक बॉक्स बना होता है, छोटा सा साइन बना होता है, उसके अंदर या तो यहां पे सेंटर में सर्कल होता है या तो यहां पे रेड कलर होता है, इधर There is a green color, okay?
इफ द पैकेट इज कैरिंग अ बॉक्स हैविंग अ स्मॉल सर्कल ऑफ रेड कलर, दैट मीन्स द फूड पैकेट हैज गॉट सम नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स, मतलब उस पैकेट के अंदर कुछ ना कुछ नॉन वेज का पार्टिकल होता है. जस्ट लाइक इफ यू आर गेटिंग द दिस केक, बेक्ड केक, ब्रिटानिया केक, एट ब्रिटानिया फ्रूट केक, एट दैट पैकेट यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मार्क वेयर वेयर इनसाइड द बॉक्स अ रेड कलर सर्कल इज देयर. दैट मीन्स दैट दैट फ्रूट केक इज हैविंग some sort of non-veg item, and then that could be either chicken, egg. हम इस red mark से सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोई non-vegetarian material है. Other we cannot say इसके अंदर egg है या egg नहीं है, egg के अलावा कुछ और है. Okay. Similarly, if the box is carrying a circle of green color, that means this packet is containing all the ingredients as vegetarian. तो ये जो जो पैकेट होगा वो वेजिटेरियन 100% वेजिटेरियन होगा. ओके, देन वी कैन सी एमआरपी. उस फूड पैकेट पे हम इसके अलावा हम एमआरपी देख सकते हैं. एमआरपी से पहले ब्रांड नेम, किस ब्रांड का वो फूड पैकेट है, ब्रांड नेम. ब्रांड नेम के बाद हम किस चीज को ले रहे हैं, जैसे हम फ्रूट केक ले रहे हैं तो ब्रांड नेम के बाद फ्रूट केक भी, मतलब फूड आइटम का नेम होगा. ऑन द बैक साइड ऑफ इट वी कैन सी द एमआरपी. कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी. आई विल टेल प्रखर, लेट्स डिस्कस इट. एमआरपी, एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस. मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये एक आपके फूड आइटम की एक मैक्सिमम कीमत होती है जो फूड आइटम के ऊपर लिखी होती है. इस जो भी एमआरपी लिखी होती है कभी भी आपको उस एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड द फूड आइटम्स विद इन दिस प्राइस ओनली, बट समटाइम्स देर आर सम पीपल हु आर वेरी कल्प्रिट who used to sell the food items or other things above the price of this MRP. Kuch log hain jo MRP zyada mein saman bechte hain. Just like if you have traveled in train, to train mein travel karte time aapko aap dekhenge ki water bottle ki price thodi zyada ho sakti hai, ya fir kahin aur pe bhi. Abhi jaise at the time of lockdown some materials, some things, some articles were there जिनकी कीमत अचानक से बढ़ गई थी, एंड वी वर परचेसिंग देम अबव एमआरपी. दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. हमें एमआरपी से ज्यादा कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए. इंस्टेड वी हैव टू आस्क फॉर अ डिस्काउंट आल्सो. हमें एमआरपी पे तो लेना भी नहीं चाहिए बल्कि उस पर डिस्काउंट लगा के तब हमें एमआरपी से कम कीमत पे सामान को लेने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, देन आफ्टर एमआरपी एमएफजी और एमएफडी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ पैकिंग, लाइक दैट. इस तरह से कोई डेट लिखी होती है कि ये जो डेट है इस डेट पे ये फूड आइटम पैक हुआ है, किसी एक फिक्स डेट पे ये फूड आइटम पैक हुआ है. लाइक वी हैड आल्सो डिस्कस दिस एमआरपीज एंड डेट ऑफ एक्सपायरी इन मैथ्स क्लास फोर्थ. क्लास फोर्थ की मैथ्स में हम ये सब डिस्कस करके भी आए हैं. ओके, देन आफ्टर दैट बैच नंबर इज रिटन. अब देखो जब कंपनीज कोई फूड आइटम बनाती हैं तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तो बनाती नहीं कि इतना इतना सा हमें कंपनीज फूड मटेरियल बनानी है. वो एक लार्ज क्वांटिटी पे फूड आइटम को बनाती हैं, उसको देन पैक करती हैं. तो जो बैच नंबर होता है वो जो एक पूरा स्लॉट जब कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं किसी फूड आइटम का, उसका बैच नंबर होता है. ओके, देन ईएक्सपी डेट, दैट मींस एक्सपायरी डेट इज गिवन, और समटाइम्स एक्सपायरी डेट इज मिसिंग. कभी कभी फूड आइटम्स पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, उसकी जगह पे क्या लिखा होता है, बेस्ट बिफोर डेट. और ये भी हो सकता है बेस्ट बिफोर नहीं लिखा है, बेस्ट बिफोर
सम मंथ्स, सम डेज और सम ईयर्स लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर सो मच नंबर ऑफ डेज, सो मच नंबर ऑफ मंथ्स या सो मच नंबर ऑफ ईयर्स, उतने ईयर्स के अंदर अंदर हमें ये जो फूड आइटम है कंज्यूम कर लेना है। क्या होगा इससे ज्यादा के बाद, हर एक फूड आइटम्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव ऐड करने की भी अपनी एक लिमिट होती है कि हम इससे ज्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड कर सकते, और प्रिजर्वेटिव खुद भी क्या करते हैं वो इन फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से, जो स्पॉइल होने की प्रोसेस है उसको बहुत स्लो कर देते हैं। लेकिन जो फूड आइटम है वो क्या होता है, स्लोली स्लोली वो मतलब स्पॉइल होने की तरफ चलता रहता है, उसकी प्रोसेस जो है डिकेइंग की चलती रहती है। एक फिक्स डेट होती है कि इस डेट के बाद जो वो फूड आइटम है वो खाने के लिए बहुत अच्छा नहीं रह जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं ये एक्सपायरी डेट लिखते हैं, और हमें एक्सपायर्ड फूड आइटम को कभी लेना भी नहीं चाहिए। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। देयर वन एक्टिविटी हैज बीन गिवन टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ द ब्रेड। आपने शायद अजय नेहरा सर के साथ ये एक्टिविटी आपने क्या की भी होगी शायद, आई एम श्योर। ओके यस, इसके साथ सम और थिंग्स आर देयर। वन इज न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन सभी के साथ उस फूड पैकेट में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी लिखी होती है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट्स कितना है, प्रोटीन कितना है, लाइक दैट। देन इसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा इंग्रीडियंट्स मतलब जो फूड आइटम्स है उसको बनाने में क्या क्या चीजें हमने यूज की हैं, इंग्रीडियंट्स। ओके, देन द एक्टिविटी यू आर सेइंग दैट यू, यस यू आर नॉट अटेम्प्टेड, यू कैन डू इट एंड ऑब्जर्व इट एट योर होम ऑल्सो बेटा। यू कैन टेक वन ब्रेड, यू कैन स्प्रिंकल सम वाटर एंड you can keep it aside, आप उसको साइड में रख सकते हैं, and what will you do, you will go to it daily and you will observe what are the changes are happening, then you can look at those changes and you can write them in your table. Okay, then one match the following was there, I hope you have done it. Then summer treat, okay, मामिडी तंद्रा इज देयर, बट बिफोर मूविंग टू द मामिडी तंद्रा वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द वेरियस वेज टू प्रिजर्व अवर फूड आइटम्स। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्व, Preservation is a process by which we can keep or we can slow down the process of spoiling down of the food items. Not lemon, Rajan. Okay, we had discussed three points, three circumstances which are responsible for the spoiling of food items. One was air, presence of air, one was presence of moisture, and third one was the warm temperature. One more condition is there, although it does not apply to all the process of spoiling of food. This Prakhar, I will tell, wait. Okay, fourth. It is the nature of the food item. That means if अगर ये जो food item है, अगर देखो दो तरह के nature होते हैं food, किसी भी चीज के food items के three होते हैं इनफैक्ट, आप ये सब 10th क्लास में आके पढ़ेंगे, बस छोटा सा आइडिया देता हूं। वन इज एसिडिक नेचर, वन इज न्यूट्रल नेचर एंड थर्ड वन इज बेसिक नेचर। तो जो भी फूड आइटम्स एसिडिक नेचर के होते हैं, जहां पे खट्टापन या फिर एसिडिक मटेरियल होता है, वहां पे फूड जो है बहुत जल्दी से डिकम्पोज होते हैं, बहुत जल्दी से स्पॉइल हो जाते हैं।
ओके सो अगर आपका फूड आइटम्स एसिडिक नेचर का है तो बहुत ज्यादा चांस है उसके जल्दी स्पॉइल होने के। अगर उस एसिडिक नेचर वाले फूड आइटम को ये तीनों चीजें एयर मॉइस्चर एंड वार्म टेम्परेचर अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं सो इट विल डिकम्पोज एज द फास्टेस्ट रेट। ओके लेट मी रब इट देन मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड मटेरियल वन इज बॉइलिंग और वी कैन से पाश्चराइजेशन। किसी चीज को बार बार बॉइल जैसे मिल्क है मिल्क को हम क्या करते हैं बार 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 हाई टेम्परेचर पे वार्म टेम्परेचर नहीं हाई टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं तो इट विल लीड टू द किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज। सेकेंड ड्राइंग हम फूड मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं ड्राई कर सकते हैं जस्ट लाइक वी टेक द चिप्स ऑफ पोटैटो वी कन्वर्ट द पोटैटो इनटू चिप्स एंड व्हाट डज वी डू वी कीप इट इनटू द हॉट सनी डे मतलब वी कीप इट इन द सनलाइट एंड व्हाट विल हैपन स्लोली स्लोली ऑल द मॉइस्चर ऑफ द पोटैटोज विल गेट ड्राइड अप एंड लेटर ऑन द व्हाट विल बी रिमेनिंग it will be a chips potato chips later on we can fry it and we can eat it. One more example is there you all are aware with dry fruits like kishmish cashew almonds kishmish means raisins ye sab kya hai these are dry fruits ye kabhi jo raisins hote hain jo kishmish hote hain kisse banti hai grape se grape ko dry karte hain usko ripen hone dete hain aur dry karte rehte hain later on it becomes dry fruit in the form of raisin. Okay then after drying third is freezing. Dekho if a person is not having the fridge and he have to preserve the milk for 2 or 3 days what shall he do he or she should boil the milk at a very frequent time that is twice or thrice a day but if you are having fridge what will you do you will boil the milk once and then you later on you will keep it in the fridge that means you are cooling down the temperature you are snatching away the warmthness of this particular food item. Okay what's next adding preservative preservative ko add karke and what are can you tell me some the name of some preservatives salting is a type of adding preservative salt is a type of preservative sugar is a type of preservative oil is a type of preservative what we do we just add some preservatives into our food items like we add sugar or we add salt or we add oil then what does it do they keeps away dekho jo salt and sugar hai what does it do ye food item ko acidic hone se rokta hai aur that oil ye kya karta hai ye air ko फूड आइटम्स के पास आने से रोकता है मॉइस्चर को भी दूर करता है बिकॉज ऑयल डज नॉट गेट मिक्स्ड विद द वाटर और वो क्या करता है वाटर को अलग करने की कोशिश करता है सो दे इन द प्रोसेस दे इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ अवर फूड आइटम। ओके एनी अदर मेथड यस वन मेथड इज देयर That is vacuum packing. Food item को आप क्या कर सकते हैं एक उस जिस चीज के अंदर जिस पैकेट के अंदर हम पैक कर रहे हैं उसमें डाल के एयर जस्ट व्हाट वी हैव टू डू जो नेचुरल एयर उसके पैकेट के अंदर है उसको हम वैक्यूम की मदद हेल्प से उस सारी एयर को निकाल सकते हैं एंड वी विल सील द पैकेट। ओके वन मोर टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव इज देयर यू आर वेरी फेमिलियर विद इट
वन मोर टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव इज देयर, मैंने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉल्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस शुगर एंड अबाउट ऑयल. वन मोर प्रिजर्वेटिव इज देयर, द नेम ऑफ दैट प्रिजर्वेटिव इज एयर. आप चिप्स लाते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर क्या होता है? एयर. वो ये नॉर्मल एयर नहीं होती, वो स्पेसिफिक हर एक फूड आइटम के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक एक एयर होती है, वो फिल की जाती है पैकेट के अंदर एंड देन ये हमारे खाने के लिए अवेलेबल होती है. यस, नाइट्रोजन इज देयर. ओके, सो लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक. इट इज मामिडी तंत्र और वी कैन से आम पापड़. I hope you all are very fond of eating aam papad, and you must, you are now you are all aware of the all of, you all are aware of its process. Yes or no? Okay. So, what happens when we are trying to make the this mamidi tandra or aam papad? We have to do a very hard work for a very long time. The time is around 28 days or we can say 4 weeks. At the first, we are required to bring the ripened mangoes. बिल्कुल पके हुए आम हमको लाने होते हैं. Why should we take the ripened mangoes only and not the raw mangoes? Because in raw mangoes there is very less pulp and there is very high quantity of fibers, and also the raw mango is not having the appropriate taste required for the aam papad. Jo raw mango hote hain wo bade khatte hote hain and the aam papad is not khatta. So the ripened mango lene ka yahi fayda hai ki uske andar fibers bahut kam hote hain aur uske andar pulp jo hota hai wo bahut zyada hota hai. We have to take out all the pulp of that of those mangoes. हमें उन mangoes का pulp निकालना होता है. Then हमें muslin cloth होता है, उसके through उस pulp को डालना होता है और हमें उसको बहुत tight से pressure करके उसको press करना होता है, और so that all the pulp can gets filtered and जो remaining जो fibers हैं उस pulp के वो हमारे muslin cloth के अंदर रह जाएं. Then we add शुगर एंड जैगरी. शुगर और जैगरी को मिक्स करके उतनी मतलब इक्वल इक्वल क्वांटिटी की शुगर और जैगरी लेनी है और टोटल मिला के वी हैव टू टेक द इक्वल पोर्शन लाइक दैट ऑफ दिस पल्प. जो हमने पल्प निकाला है, जितना हमने पल्प निकाला है उतने ही पोर्शन में हमें शुगर और जैगरी मिक्स करके लेनी है. देन वी हैव टू मिक्स इट, एक बहुत अच्छा पेस्ट बनाना है उसका टाइट. एंड देन वट वी हैव टू डू, एक अच्छे साफ पत्ते के ऊपर या अच्छे साफ कपड़े के ऊपर वी हैव टू स्प्रेड अ वेरी थिन लेयर एंड वी हैव टू कीप इट फॉर अ डे इन द सनलाइट में डालनी है. देन नेक्स्ट डे फिर अगेन एक बहुत थिन लेयर उसके ऊपर हमें लगानी है. देन अगेन देन कंटिन्यू इट फॉर 28 डेज सो दैट द दिस आम पापड़ जो ये हम लेयर्स पे लेयर्स लगा रहे थे, इनका जो साइज है वो एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर जितना थिक हो जाए. जैसे ही वो होता है इट कम मतलब विद इन 28 डेज द कलर ऑफ दिस लेयर्स बिकम्स गोल्डन. पल्प, आपको पल्प नहीं पता बेटा, जो हम जो हमारा मैंगो है, मैंगो का जो पार्ट हम खाते हैं वो पल्प है. Okay, and after the manufacturing of this mamidi tandra, you can enjoy it very frequently. Okay, so I hope we have discussed the complete chapter. Okay, one question is there at the end of chapter. Two questions are there. One is, glass jars and bottles are dried well in sun before filling them with pickles. जब हम pickles बनाते हैं वो क्या उसके लिए हम क्या व्हाट वी यूज ड्राइड ग्लास और बोटल्स, ग्लास जार्स और बोटल्स हम उनको सुखाने के बाद यूज करते हैं. व्हाई सो दैट द
मॉइस्चर और एयर, सॉरी वॉट एवर द मॉइस्चर इज देयर इन द ग्लास और इन द बॉटल्स, इट गेट्स ड्राइड अप. क्योंकि हमें मॉइस्चर से तो हमारा सामान खराब होना है, मॉइस्चर इज द दुश्मन ऑफ अवर फूड आइटम्स. So we have to remove the that all the moisture if it is present in that bottle or jar, and then we can fill the jar with the pickle. Do you remember what happened to the bread in the experiment? आपको याद होगा bread में क्या हुआ था experiment में? हमने उसके ऊपर moisture डाल दिया था. That's why it get spoiled very fast. Then one to eat mangoes round the year, we mix different items like pickle, aam papad, chutney, chikki, etc. List some food with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. You can take the name of amla. We eat it raw also. We make the sabzi of amla also. We make murabba also, and also we make the pickle of amla. Okay. Similarly, there are various things. Akshita, beta. Okay. Now let's come to the discussion of the test. Let me tell you. जो टेस्ट लेंगे, it will be like Google Classroom. जैसे आप हम we are giving the worksheets. You solve it. Then what you do? You make the PDF and you upload it. टू द गूगल क्लास रूम सिमिलर. और वो कहां पे आप अपलोड करते हैं? एक स्पेसिफिक असाइनमेंट में, कि चैप्टर 8 का असाइनमेंट है तो आपने चैप्टर 8 का काम किया है, वो चैप्टर 8 पे अपलोड किया है. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, एट द ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, आपको एक स्पेसिफिक टाइम जो है सेट 10 है, 10 एट 10 AM, वॉट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन पेपर इन द गूगल क्लासरूम ओनली. आपको वो क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली 10 AM पे गूगल क्लासरूम में मिलेगा. डाउनलोड इट, उस पर क्लिक करने का तो आप डाउनलोड करेंगे. व्हाट यू विल डू, आप उस फोन पे या कंप्यूटर पे जहां पे भी आप गूगल क्लासरूम को यूज करते हैं, वहां से आप क्वेश्चन को देखते रहेंगे और आंसर्स को आप अपनी मर्जी से प्लेन शीट ऑफ पेपर पे या फिर नोटबुक में कहीं पे भी, जहां से आप चीटिंग ना करें. बस आपको ध्यान रखना है कि आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको चीटिंग नहीं करनी है. Mark your answers on your notebook, and then after the completion of your test, जितनी जल्दी आपका test complete होता है, as soon as possible, आप उसको PDF बनाइए. PDF बना के आप just upload it before the time gets over. 11:40 से पहले, पहले आपको जो अपना work है, वो सारा का सारा क्या करना है? Upload करना है Google Classroom पे. Okay? और just read out the circular that I sent, read out the notice that I sent. Carefully, उसमें लिखा है, सम पेरेंट्स आर आस्किंग यस्टरडे कि सर हमारा एमसीक्यू कब होगा और डिस्क्रिप्टिव कब होगा. एमसीक्यू टेस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर क्लास थर्ड ओनली एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टेस्ट. दैट मीन्स जो PT1 आप करते थे, आप PT1 में भी क्या करते थे? PT1 टेस्ट में जस्ट आपको पेपर मिले थे, उस पर आंसर मार्क करते थे, लाइक दैट ओनली. ओके. If you are still having any confusion about the test or syllabus, भी हमने आपको WhatsApp पे एक अलग से PDF फाइल में आपको मैंने syllabus भी सेंड किया था, आप उसको रेफर करें कि किस सब्जेक्ट का कितना syllabus है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट होगा. Okay? So I wish you all the best for your exam and take care. Don't go outside of your home without any emergency cause. जब तक आपको कोई इमरजेंसी का कोई काम नहीं है, उसके अलावा आप घर से बाहर नहीं निकलिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.